असलम वेलकम बैक टू माई चैनल आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल मैं हूँ तमन्ना और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इंडियन डॉक्टर तमन्ना खान फ्रेंड्स आप लोगों ने देखा होगा काफ़ी सारा सामान मैंने इकट्ठा किया हुआ था और मैं अक्सर कहती थी कि ये मेरा डी का सामान है और इनसे मैं डी आई वाईज लेकिन क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा था दूसरा घर में कंस्ट्रक्शन चल रहा था तो फिर मैं ये सारे काम कहाँ फैलाती इसी वजह से मैंने ये काम रोके हुए थे लेकिन अब कंस्ट्रक्शन कम्प्लीट हो चुका है तो मैंने सोचा कि क्यों ना अब ये सारे काम भी निपटा लिए जाएँ और इन चीज़ों को भी ठिकाने लगा दिया जाए तो फिर बस अब वही व्लॉग आ गया है अब मैं धीरे धीरे अपने कबाड़ से जुगाड़ की सीरीज स्टार्ट कर रही हूं जिसमें मैं आपको बहुत ही कम पैसों में बहुत ही अंडर बजट आपको होम डेकोरेशन के आइडियाज़ दूंगी तो मेरा ये ब्लॉग पूरे देखिएगा और आगे भी इन इसी टाइप के ब्लॉग्स आते रहेंगे तो वो भी देखिएगा ये कुछ दो स्टोरेज बॉक्स थे जिनको मैंने पेंट किया है और आपने मेरे घर में पहले भी इन्हें रखा हुआ देखा होगा इसीलिए मैंने संभाल के रखा था इनकी मैं एक बहुत अच्छी बढ़िया सी चीज़ बनाने वाली हूँ दूसरा मेरे घर में ना ये जगह जगह जब कंस्ट्रक्शन हुआ ना तो ये चीज़ें इस तरीके से ये ख़राब हो गई थी दीवारें वॉल सारी ख़राब हो रही थी जैसे कि कुछ पैचेस पड़े हुए थे उन पर कुछ जो है ना सीमेंट के निशान थे इन निशानों के साथ रहना मेरे लिए तो मुश्किल था क्योंकि मैं वेट नहीं कर सकती थी कि जब पेंट होगा तभी ये सब चीज़ें ठीक होंगी अब इतने से काम के लिए बिल्कुल पेंटर को आज ही नहीं बुलाया जा सकता था तो ऐसे छोटे छोटे काम मैं घर में ही कर लेती हूँ और सबको कर लेने चाहिए एक वॉल पुट्टी आती है देखा होगा जब भी घर में पेंट होता है तब भी आती है वो और बहुत सस्ती सी मिल जाती है तीस रुपये का चालीस रुपये का एक पैकेट भी आता है और अगर फाइव के जी का लेंगे तो टू हंड्रेड तक का आ जाता है और एक बार ले करके घर में रख लीजिए बहुत काम आता है तो इसी को मैंने जो है ना इस तरीके से एक पेस्ट बनाया है अच्छा सा और इस दीवार को जो है ना ऐसी पत्तियों से मैंने इस पर अप्लाई कर दिया है ये जो पेस्ट होता है ना थोड़ा सा थिक रखिए तभी ये अच्छे से अप्लाई होगा आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होगी और ये वॉल्स के साइड में स्कर्टिंग लगी थी तो थोड़ा सा सीमेंट दिखाई दे रहा था इस पर भी मैंने अप्लाई कर दिया था और जहाँ पर पत्ती से हुआ वहाँ पत्ती से और जहाँ पत्ती से नहीं हुआ वहाँ फिंगर से कर दिया और जहाँ पर इस तरीके के निशान थे पैचेज थे उन पर भी अच्छे से अप्लाई कर दिया बहुत अच्छे से देखिए कितनी अच्छी दीवार साफ सुथरी लगने लगी है ये थोड़ा सा काम करते ही तो ये छोटे छोटे काम होते हैं जिन्हें हमें खुद से कर लेना चाहिए ये वेट नहीं करना चाहिए कि पेंटर आएगा तभी करेगा अदरवाइज़ ये घर में दिखते हुए बहुत बेकार लगते हैं लेकिन अगर आप इन्हें कवर कर देंगे तो ये बहुत ही अच्छे लगने लगेंगे कई बार ऐसा होता है हमारी पूरी वॉल अच्छी होती है बस थोड़ी सी कहीं से टूट जाती है या निशान पड़ जाता है तो बस हम उसी जगह को अगर रिपेयर कर लें हैंड टू हैंड तो हम अपने पेंट की लाइफ को काफ़ी बढ़ा सकते हैं और कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनमें हम बिना ख़र्च किए बस थोड़ी सी मेहनत लगा करके अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं बहुत कम पैसों में हर चीज़ पैसे से नहीं मिलती है हाँ माना बहुत सारी चीज़ें पैसे से होती हैं लेकिन कुछ चीज़ें ना मेहनत से भी होती हैं ऐसा मेरा मानना है और अब हम बनाने जा रहे हैं बॉटल से एक डी जो बहुत ही अच्छा लगेगा बनकर ये मैंने अमेजोन पर देखा था सेवन हंड्रेड के करीब था तो मैंने सोचा क्यों ना इसे मैं घर पर ही बना लूँ क्योंकि इतनी एक्सपेंसिव चीज़ है अभी कोई लेने की ज़रूरत भी नहीं थी और अगर हम घर पे बना सकते हैं तो फ़ौर हमें बना लेना चाहिए बिल्कुल भी देर नहीं लगानी चाहिए तो मैंने इस तरह की बॉटल ली जैसा शेप मैंने उसमें देखा था अमेजोन पर बिल्कुल वैसे ही शेप की मैंने बॉटल्स ले ली थी ईजिली मार्केट में मिल जाती हैं और इसे केप से थोड़ा सा नीचे से कट कर लिया था करीब आधा इंच नीचे से और उसके बाद ना मैंने फेविकोल में थोड़ा सा पानी मिलाया है और अच्छे से उसका एक घोल सा तैयार कर लिया एक लिक्विड ही और उसको जो है ना बॉटल पे अप्लाई करना है और ऊपर से छोटे छोड़ छोटे पीसेस कट करके न्यूज़ पेपर के किसी भी पेपर के या फिर टिश्यू पेपर के भी आप अप्लाई कर सकते हैं तो मेरे पास ये ब्राउन पेपर था थोड़ा सा ये मोटा होता है तो इसलिए इसे लगाने में मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम आई बट मैंने मैनेज कर लिया था आप जब भी अप्लाई करें तो न्यूज़पेपर या टिश्यू पेपर ले लीजिएगा अच्छे से इसे ऊपर से भी थोड़ा सा लिक्विड लगा दीजिए और नीचे भी अप्लाई कर दीजिए इसी तरह से हम दूसरी बॉटल भी कर लेंगे और करने के बाद ना आप गीले पर ही इसको आगे का प्रोसेस कर सकते हैं बस वॉल पुट्टी लेनी है और उसके अंदर ना पानी अच्छे से मिक्स कर लेना है मिक्स करने के बाद हम इसका एक ज़्यादा पतला भी ना हो और ज़्यादा थिक भी ना हो इस तरह का पेस्ट बनाएंगे कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं और इसे इतने अच्छे से मिक्स करना है कि बिल्कुल भी इसमें कोई भी लम्ब ना रहे तभी इसकी जो है ना जो कोटिंग आप करेंगे वो अच्छी होगी और बिल्कुल भी ब्रेक नहीं होगी यानी कि सूखने के बाद ना टूटेगी नहीं तो अच्छे से बॉटल पर ना एक थिक पेस्ट लगाना है मोटा मोटा सा थोड़ा क्योंकि अगर आप इसे पतला लगाएंगे ना तो आगे जो हम इस पर डिज़ाइनिंग करेंगे वो जो है ना पेपर दिखने लगेगा इसीलिए तो पेस्ट अप्लाई करने के बाद ना थोड़ा सा पानी लेके उसे अच्छे से स्मूथ कर लें पानी लगा लगा कर और उसके बाद जब स्मूथ हो जाएगा ना तब हमें एक मोटे दांतों वाला कंगा लेना है और उसे बड़े हल्के हाथ से इस तरह से ऊपर तक लाइनिंग बना देनी है तो कंगे से इस पर इस तरह की लाइंस आ जाएंगी अब आपको याद आ गया होगा कि ये हम कौन सा फ्लावर वेस बना रहे हैं दूसरी बॉटल पर भी हम इसी तरह से अप्लाई कर लेंगे और दोनों को ना मैंने एक पिन्नी पे रख करके ओवरनाइट सूखने के लिए रख दिया था नेक्स्ट डे मेरे ये दोनों एस जो हैं वो सूख गए हैं और बहुत ही अच्छे लग रहे हैं पर मैंने मुझे ये थोड़े से खुरदरे से थे तो मैंने सोचा कि इसकी सैंडिंग कर दी जाए तो इस तरह का एक ये पेपर आता है सैंडिंग पेपर या इसको ना रेगमाल भी बोलते हैं तो इस पेपर को आप आसानी से ले सकते हैं किसी भी हार्डवेयर शॉप से और बिल्कुल हल्के हा, हाथ से इसे रब करना है क्योंकि अगर आप ज़्यादा कसके लगा देंगे ना तो ये लाइनिंग खत्म हो जाएगी और अब हम बना रहे हैं अपना थर्ड डी आई वाई और उसके लिए मैंने लिए हैं ये जो एक फ्लावर पोट आते हैं छोटे छोटे से ये उनके बचे हुए पार्ट हैं और आप ना किसी कटोरी बॉल पुराने पर भी इसे यूज़ कर सकते हैं ये हमारी पड़ोसन ने हमें दिए थे कि मैं इसमें कोई पौधे वगैरह लगा लूँ क्योंकि उन्हें पता है मुझे गार्डनिंग का शौक़ है बट मैंने देख करके ना मैंने सु... मेरे माइंड में एक आइडिया आया कि क्यों ना इसका क्योंकि इसका जो शेप है ना वो बोट लाइक है तो मैंने सोचा इसकी एक चीज़ बनाते हैं बहुत अच्छी सी डेकोरेशन के लिए तो मैंने मेरे पास ना थोड़े से मिरर रखे हुए थे बस वही मैंने अप्लाई कर दी है और मिरर को ना मैंने जो एक फेबी बॉन्ड आती है ट्यूब वो मेरे पास एक्स्ट्रा पड़ी हुई थी उसी से लगा दिए और बस ये जो दस बीस दस रुपये की मुश्किल से इस पर ये शीशे लगे हैं और इसी में ये बनकर रेडी हो गया था ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें बना करके ना हम अपने घर को एक बहुत ही अच्छा सा फेस्टिव लुक डेकोरेटिव लुक दे सकते हैं तो देखिए हमने दोनों साइड पर लगा ली और ये कितनी प्यारी लग रही है क्योंकि इनका कलर वाइट है ना तो इस पर मिरर बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहे हैं और ये बहुत अच्छे भी लग रहे हैं अब हमें ये वॉल पुट्टी ली है मैंने ये वॉल पुट्टी नहीं है एक्चुअली ये जो है ना ये चॉक मिट्टी है ये हमारे घर ये भी क, जब किसी चीज़ में पेंट हुआ था लास्ट टाइम तो तब आई थी और बहुत सारी बच गई थी तो वही मैंने ले ली है आप ना वॉल पुट्टी की जगह पीओपी -पी या यही वॉल पुट्टी पीओपी कुछ भी ले सकते हैं क्योंकि हमें जो है ना सिर्फ़ इसको ना फिल करना है तो मैंने नीचे ना बहुत सारे पेपर्स डाल दिए ताकि ऊपर जो पेस्ट है वो मुझे कम डालना पड़े और फिर बाद में ना मैंने इसके अंदर एक शेप दे दिया था थोड़ी सी गहराई कर दी थी आप चाहें तो फिंगर की हेल्प से या कैसे भी कर सकते हैं और हमारी एक बहुत ही मज़ेदार सा कैंडल स्टैंड तैयार था तो ये सभी चीज़ें मैंने अभी तैयार कर ली हैं और इनको हम कैसे यूज़ करेंगे कहाँ यूज़ करेंगे ये मैं आपको पार्ट सेकेंड में दिखाऊँगी जो इसके बाद आएगा एक पूरा रूम डेकोरेट करके दिखाऊँगी आपको तो कौन सी चीज़ हम कहाँ रखेंगे और किस तरह से हम अपने रूम को डेकोरेट करेंगे किस तरह से हम उसे स्टाइल करेंगे तो फ्रेंड्स तो ये देखना बिल्कुल मत भूलिएगा अगर इस चैनल में आपको कोई भी चीज़ अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे मिलते हैं फिर एक इंटरेस्टिंग से वीडियो के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक के लिए ला हाफिज़ दुआओं में याद रखें